पान कुचा गेंदू है अभी समझदारों का इशारा ही काफी है। तो क्या बोल रहे थे मुझे? फटफटिया स्कूटर फटाफट पास बियर मतलब ये भालू भालू बोलो भालू बोलो। लव कुड बी सो स्वीट आई नेवर न्यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा गला है बहुत सुरीला, मेरी मैं हूँ बड़ा सुरीला, मेरा गला है बहुत सुरीला। इंडिया पाकिस्तान मैच हो गया इसलिए इसीलिए मैं कल कैमरा ऑन किया। हमारे घर पे ना दो पागल ऑलरेडी, ये दोनों मुझे पागल बोलते हैं। हमारे घर पे दो बोल भी, हमारे घर पे सुनो, हमारे घर पे दो पागल है, ये दोनों मुझे पागल बोलते हैं। जरूरत नहीं है, दोनों खुद ही पागल है। तो अगर अलमारी लगाओ तुम अलमारी खोलो। अभी ऑफिस से आए, आज मेरा 300 के हुआ है ना, आज निकल रहा है। थैंक यू सो मच, पहले इनका ये सुन लो, पहले खाना के लिए हमको फिर थैंक यू करना है। इन दोनों को केक ऑर्डर करना है, दो केक चूज किया। मैं बोला छोटा एक पेस्ट्री ला, मैं तो पहले बोला सूजी का केक बनाओ, सूजी का केक। ये दोनों खाना है, सुनो ना, ये दो मैंने बोला सूजी का हलवा बनाती हूँ, वो छोटा सा केक जैसा बना दूंगी, अच्छा हो जाएगा ना, बचत होगा, बचत करना चाहिए ना। तो इन दोनों को खाना है, केक खाना है, तो मैं पहले सोचा एक छोटा सा पेस्ट्री आयंगर बेकरी का, वो भी इनको पसंद नहीं आया, एकदम पसंद नहीं। बैंगलोर बस में भी है, बॉम्बे बैंगलोर, तो सेव करना। बस में क्यों नहीं गया फिर, फ्लाइट में क्यों गया? ऐसा बोलता है मुझे, जहाँ बचत करना चाहिए वहाँ करो। तो आके दो केक सिलेक्ट किया मैंने, तो बोल तो मैं तो खाऊंगी भी नहीं। मुझे सोना भी नहीं दिया, केक ऑर्डर करने का ये टॉस चल रहा है। मैंने सोचा कैमरा में ये तो दिखाना बनता है, अभी ऑन कैमरा हो रहा है, पहले तो ऑफ कैमरा होने वाला था। दिखा अभी, सोच मुझ क्या हुआ, दिखा देखे मैंने चॉकलेट। मैं बोला वो केक कट मुझे टेस्ट भी नहीं पता, खाया था लेकिन याद नहीं है। जो नॉर्मली लाती हूँ चॉकलेट वाला, वही ज्यादा मतलब हम लोग लाते हैं, क्योंकि एटलीस्ट वो खाने में, अभी ये जो ऑर्डर कर रहा है ना, पता नहीं खाने में कैसा होगा। खड़ा हुआ ना तो सूटी को बोल रही, सूटी तुझे पिटाई होगा। सूटी बोल रहे अच्छा है ना, मैं खा लूंगी, कितना चला कर रखा बोल रहे। और इसीलिए आज मेरा गला ना एकदम पूरा भेड़ा जाता। मुझे आयंगर बेकरी का केक ज्यादा अच्छा लगता है, और इन दोनों अच्छा नहीं लगता, इसलिए मुझे खिला। पहले जमाने जैसा केक मिलता था ना, आयंगर बेकरी मतलब हमारे टाइम पे जो केक मिलता था ना, बटर क्रीम वाला, उसका एक अलग से खुशबू होता है ना, वैसा वाला। तो इसीलिए वो ये दोनों नहीं खाता, और मुझे उतना पसंद है, और लाके भी कभी नहीं देते। क्या करें, ये दोनों अलमार्स सातनों ऑफिस से आके ना अलमार्स खाते हैं, भूख लग जाती है उसको, हल्का भूख लग जाती है। 12:30 एक बजे खाना खाते हैं ऑफिस में, तो भूख तो लगेगा ना। PM हाँ, नहीं रात को नहीं। और मेरा गला अगर खराब सुना दे रहा है, उसके लिए आई एम सो सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, ऑब्वियसली, क्योंकि मैं जब आज वीडियो गया है ना, कल जो वीडियो देखा उस पर एडिटिंग कर रही थी, लास्ट में ना हॉरिबल लग रहा था सुनने में, मुझे लग रहा था। अभी देखो गले के चक्कर में मैं तो चुपचाप नहीं रह सकता, सेलिब्रेट ना करूं। मैंने सोचा था पहले, कितना कुछ सोच कर रखा था, 300 बहुत एक अच्छा वाला फीलिंग्स आता है, उसके बाद तो अभी 500 या 1M वो बहुत लॉन्ग टर्म की अभी जर्नी है। आप लोग इतना प्यार दिए मेरे जर्नी में, मुझे साथ दिया, थैंक यू सो मच मुझे इतना प्यार करने के लिए। और आज मैं ना बोलने की ताकत नहीं कि बोलो, समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा गला ठीक कर उसके बाद बोलूंगी हाँ अच्छी तरह से, क्योंकि आप सबको बहुत कुछ कहना है। स्पेशल वाला वीडियो आप भी नहीं, ये गला भेड़ा वाला गला मैं स्पेशल वाला वीडियो में शूट नहीं करूंगी, वो क्योंकि वो एक लाइफ स्टोरी है। तो इसीलिए छगोले गलाटा भालो मैं भेड़ा है तो मैं एक्चुअली मेरा आदत ही है बचपन से ही ना, मेरा नाक से कभी नहीं निकलता, मतलब सर्दी के टाइम मेरा गले पे बढ़ जाता है।
and for that I do apologize. Maybe someday we can work it out, but I'm afraid it's too late to try. Baby, I don't dare to love you, and you know the reason why. Don't you know I'm way too weak to swim? Can't you feel the waves come crashing in? Running out of safety nets, cause every night, every night. Sweetie, ऐसा डेकोरेट किया लग रहा है हम लोग एनिवर्सरी है। कैंडल लाइट ये देखो देखो आओ मंत्री ये देखो कैंडल लाइट अरेंज किया है। और देखो देखो पूरा सब लाइट डिम कर दिया है, सब लाइट बंद कर दिया है, सब लाइट डिम कर दिया है। वो देखो ओए बाबा रे ओए टका टका यहाँ पे बैनर बनाया है। किसका बर्थडे चल रहा है? 300K। जैसे पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए, ऐसे सेलिब्रेट सेलिब्रेट करने वालों को सेलिब्रेशन का बहाना चाहिए। कि कुछ डेकोरेशन चल रहा है। और की कुछ चीज डेकोर डेकोर हमारे बंगाली में एक कहावत है, बंगाली में कहावत है, मेरा गला को थोड़ा बियर कर लो, आई एम सो सॉरी। बियर मतलब ये भालू भालू। अरे वो बियर नहीं, भालू कर लो छोड़ो चलो भालू। अरे बोलो भालू बोलो। कहावत है कि बोला खैपर मोन वृंदावन, तो बंगाली में समझ जाएंगे, मतलब पागल का हमेशा मन रहता है वृंदावन में चले जाओ, ऐसा कुछ तो है। चली जाते चलिए। पीछे का डेकोरेशन कैसा लग रहा है? लग रहा है ना किसी का बर्थडे पार्टी है। नहीं, 35% का बर्थडे आज नहीं है, वो जून जुलाई में होता है। जून जुलाई क्रिएशन होता है, 15th August। सॉरी। अरे इतने सारे बर्थडे 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 सबके याद करे, ये क्या किया स्वीटी ने देखो। और आज जो चाय बनाए ना आप सबका, सब फरमाइश से ही चाय बनाए, तो मसाला सब बोल रहे इसमें वो दो उसमें वो दो, सब मिला दिया मैंने आज। बोला था नहीं, हाँ ऑलमोस्ट, और भी बहुत कुछ बोला था, वो सौंफ बोला था, मतलब ड्राई जिंजर, बस इतना ही मिला के आज चाय नहीं बनाई, मसाला बना। तो ना गला जल रहा है एकदम, इतना मसाला है, मस्त बना है साथ में। क्या कर रहा है? देखो यहाँ पे कैंडल अच्छा लग रहा है देखो। और मैं पनीर फ्राई खा रही हूँ, कल बनाया था ना पनीर। मेरे वीडियो का गाना कहाँ है? अलग से देने का जरूरत नहीं है ना। अच्छा अभी से वही करूंगी, जहाँ पे म्यूजिक रहेगा ना वो जगह शांतनु गाएगा। ऑफिस से आके गा के चले जाना। ऑनेस्टली बताना तो मेरा आवाज कैसा सुनाई दे रहा है? आज तो बोलने की जरूरत नहीं, ऐसे आता है। नहीं बोलन, हाँ बोला नहीं यार, जोर से बोल रहे हो वो जल्दी मुझे कान पर खटक रहा है। बोला है ऑनेस्टली किसके जैसा सुनने में लग रहा है? किसी एनिमल के जैसा या किसी पिक्चर्स के जैसा? किसके जैसा लग रहा है बता? फटफटिया स्कूटर। स्वीटी मुझे बोल रही है फटा हुआ बांस। देखो क्या बोल रहे मुझे, बांस मतलब बैम्बू, बैम्बू फटा हुआ जैसा, ऐसे ऐसे करने से आवाज आता है वैसा। स्वीटी अभी कोई क्या बोल रही थी मुझे? फटफटिया स्कूटर ऐसे करके खास रही थी ना, मतलब जोर से कुछ कर रही थी। हाँ ऐसा कर रही थी ना सूटी, बोले जो स्कूटर कभी वो पुराने जमाने जैसा स्कूटर होता है ना, मतलब उसका ऑन करने में आधा घंटा लग जाता। हाँ वैसा बोल, मतलब सोचो मेरा क्या हालत हो रहा है। आप लोग तो सिर्फ आप लोग तो सिर्फ कैमरे में थोड़ा परसेंटेज देख रहे हो, बाकी मेरे साथ कितना क्या कर रहे थे पीछे बैकग्राउंड में, और कितना होता है वो तो आप सोच भी नहीं पाओगे। पिछले एक से एक साल में स्वीटी ने एकदम कॉपी जेरोक्स हो गया। तुम्हारा कॉपी क्यों नहीं हुआ? पहले मेरा कॉपी था, कॉपी जेरोक्स नहीं, जेरोक्स असंभव। पहले मेरे जैसा ही था, सांड सा था, अभी बातें जो ऐसा करती है ना, सांड सा सांड सा बोल रहा सांड सा शांत, मैं सुना शांत, मैं सुन के सांड सा संत। ए तुम ना एकदम अपने पापा के लिए जा रहे हो तो? नहीं ज्यादा भी मत जाओ, ना भालो ना ना भालो तो पैदा बताओगे तू पहन दे के पैदा।
बोले मेरे फ्रेंड लोग तुम्हें चिड़ा मतलब पैदा ना मतलब पेटानों के बोले तंग करेंगे बोले वो खुद ही फ्रेंड को तंग करती है खुरी सोती नहीं आ रही तो चला देख रहे स्वीटी रंगोली दे रही है मतलब आलपना दे रही है थोड़ा सा बच गया था ना तो इसलिए बोले थोड़ा सा दे दूँ मेरा पूजा हो गया काफ़ी पहले ही हो गया और मेरी एक फ्रेंड भी आई थी कृपा आपने देखा होगा डॉक्टर जो है वो मुझे विश करने आई थी थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए मतलब जो भी फ्रेंड्स मेरा है और यूट्यूब के थ्रू भी है मुझे बहुत प्यार करते हैं इसके लिए मैं बहुत लकी हूँ और हाँ ये दुपट्टा देखो मैं नॉर्मली ना दुपट्टा पूजा के टाइम नहीं लेती हूँ एक्चुअली हमारे वहाँ पे ऐसा कुछ रूल्स नहीं है हाँ जैसे बहुएं तो लेते हैं जैसे घूंघट लेते थे या दुपट्टे का ओढ़ना लेकिन मैंने का ऐसा कुछ ये नहीं किया मतलब ऐसा मतलब गर्ल हो अगर कोई हो तो मैं फ्रॉक पहनाए या जो भी ड्रेस पहना तो लेकिन एक फ्रेंड ने बोला था वो बांग्लादेश से है वो हमारे रिलीजन का भी नहीं है उसने बोला था जो दी आप ना वो दुपट्टा लेके पूजा करना बहुत अच्छा लगता है तो मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा देखो वो हमारी रिलीजन या हमारे कल्चर के बारे में उतना उसको नहीं पता है थोड़ा बहुत जितना पता है देख के लेकिन उसने बोला मुझे बहुत अच्छा लगा तो इसीलिए मैंने आज ये दुपट्टा लिया पूजा के टाइम एक्चुअली नॉर्मली जो स्पेशल पूजा होता है तब तो लेती हूँ लेकिन वो थर्सडे जो पूजा होता है ना उसमें मैं कभी नहीं लेती थी ऐसा मतलब बोलते ना पर्टिकुलर जो नियम होता है वो करना है उस हिसाब से मैं थोड़ा ना अगेंस्ट जाती थी हमेशा मम्मी का करना है दिल से करो ऐसा हिसाब से तो मतलब समझ सकते हो कुछ फ्रेंड्स समझ पाएंगे जो भी फ्रेंड्स कुछ कुछ सजेशन देते हैं बहुत अच्छा लगता है और मैं आज कोई वीडियो नहीं भी बनाने वाली थी क्योंकि मेरा साउंड अजीब सुनाया था कि मैं सोचा दो तीन दिन बाद मैं वीडियो बनाऊंगी लेकिन आज कुछ स्पेशल है नहीं तो स्वीटी का रंगोली देखो स्वीटी लक्ष्मी पाटा नेक्स्ट दिन और एक भलो हवा ठीक है जो फर्स्ट डे आ ठीक है बैठ गई वहाँ पे स्वीटी ने पहली बार वो जो मतलब आलपोना होता है प्रॉपर रंगोली तो बनाती है आलपोना पहली बार बनाई तो जो लक्ष्मी का पैर होता है ना थोड़ा अलग टाइप का हुआ है तो सीख जाएगी धीरे धीरे नहीं सब कुछ सीखना चाहिए सब कुछ जैसे शांतनु को भी लहसुन छिलना भी आता है सब कुछ गर्ल्स हो या बॉयज सब कुछ सीखना चाहिए नहीं तो खुद की लाइफ में खुद ही को प्रॉब्लम होगा और किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा वो खुद को ही खाना बना के खाना पड़ेगा खुद को ही जॉब करे या हॉस्टल में रहे या जो भी होगा वो खुद ही को ही तो करना है मम्मी या पापा तो पीछे पीछे नहीं जाने वाला है आज मैं वॉइस ओवर दे रहा हूँ मैत्री का मैंने बोला था मैं जो बोला तुम बोलो वैसा हो जाएगा अब देखो मैं बोलूंगी ना तो खराब क्योंकि मैं बोल रही हूँ ना तो सुनाई खराब दे रहा है तो मैंने बोला मेरे बिहाफ में तुम बोलो आज आज दो टाइप का पास्ता बनेगा एक बनेगा व्हाइट पास्ता और एक बनेगा एक्सपेरिमेंटिंग न्यू टाइप ऑफ पास्ता स्पिनच और मतलब पालक और टमाटर देके एक नहीं मुझे पता है सांसद बना रहा है ना तो डेफिनेटली अच्छा बनेगा क्योंकि उसका माइंड पे चलता है हाँ ये देने से ये ठीक होगा ये देने से ठीक होगा अगर नहीं चलता ना वो बोल देते नहीं ये देने से खराब हो जाएगा क्योंकि उसका कैलकुलेशन वाइज उसका नॉलेज है और व्हाइट पास्ता तो मेरा स्पेशलिटी है मच्छर नहीं बनता और तो वही स्पाइरल पास्ता स्पाइरल हां इसका नाम कुछ है फ्यूजली हां शायद कुछ है ये इतना डिफिकल्ट नाम है ना याद नहीं रहता तो इसीलिए स्पाइरल मैं तो स्पाइरल बोलती हूं पेनी याद रहता है पहले चॉप्ड कर ले गार्लिक को ऑलिव ऑयल में चिली फ्लेक्स थोड़ा सा चॉप्ड गार्लिक गार्लिक जब हल्का सा भून जाएगा उस टाइम पे चॉप्ड अनियन एक चम्मच मैदा और मैदे को जस्ट एक मिनट तक भूनना है और मैदा का कच्चापन चला जाएगा उस टाइम पे मिल्क दूध अभी मैं अमूल का प्रोसेस चीज ग्रेट करके डाल रही हूँ इटालियन मिक्स हर्ब्स या पिज्जा हर्ब्स या पास्ता हर्ब्स आप डाल सकते हो सफेद मिर्च का पाउडर व्हाइट पेपर पाउडर ये जरूर डालना और इसमें अभी शुगर डाल रही हूँ शुगर जरूर डालना नॉर्मली इसमें शुगर नहीं डाला जाता है लेकिन आप शुगर जरूर डालना तभी बच्चों को ये सबको पसंद आता है सॉल्टी वाला सबको पसंद नहीं आता सॉल्ट अंदाजा से और अभी पास्ता बॉइल करके जस्ट जो भी पास्ता है आपके पास वो आप डाल सकते हो
जस्ट इसको 2-3 मिनट और बॉयल करना है। ये जो पास्ता है ये बन चुका है, जस्ट उसको कुछ देर तक बॉयल करके थिक करना है। और इसमें शुगर है, सॉल्ट टेस्ट करके देखना आपके बैलेंस के हिसाब से, थोड़ा सा स्वीटिश होता है। उसका रेसिपी तो हो गया, वही बनाएगी। चलो मेरा से तुम ही बना लो, क्रेडिट तुम ही दे दो पूरा, मतलब कॉपीराइट मेरा है। कॉपीराइट मेरा है मेरे से, सुनो कॉपीराइट का पैसा दे देना। अच्छा ठीक है, दे दोगे। सुनो ये लेकिन मेरा रेसिपी है, उसका इमेजिनेशन रेसिपी। स्पेगेटी विथ स्पिनच एंड मशरूम इन टोमेटो सॉस। किसी को अगर इसका नाम इतना लंबा चौड़ा है। आके शाम को शांतनु और स्वीटी ने बोला आज तुमको पार्टी देंगे, हम लोग खाना बनाएंगे स्पेशल स्पेशल, आज कुछ बनाएंगे। तो स्वीटी स्पेशल स्पेशल, स्वीटी बोले पास्ता बनाऊंगी आज, सब कुछ कर लिया। और स्पेशल केक तो बनाया है ना, फ्रिज में रखा है, उसके बाद केक बनाया काम मुझे करा रहे। सुनो बाबरची का वो साइड वाले जो होता है ना चेला, उसका कुछ क्रेडिट नहीं जाता, जो बाबरची होता है ना उसी का क्रेडिट जाता है। वो क्या करता है, वो काम लेके जाता है ना, वो ही करता है। दिमाग कौन लगाता है? दिमाग नहीं, सुनो सुनो वो भी एक काम करो, जो तुम्हारा बिल्डिंग बनाना है जो इंजीनियर डिजाइन करता है उसका ज्यादा क्रेडिट जाता है, या जो लेबर वहाँ पे काम करता है उसका ज्यादा क्रेडिट जाता है? खुद इंजीनियर है इसीलिए ले रहे ना। तो फिर नहीं, जो करते है ना, जो काम करते है उसी का क्रेडिट जाना चाहिए। मेहनत तो वही करता है, जब तक इंजीनियर ऐसा, जब तक वो सृष्टि नहीं करेगा, जब तक वो डिजाइन नहीं करेगा तब तक उसके फिर वो डिजाइन ये कैसे इसको बनेगा, घर कैसे बनेगा? मुझे तो लगता है टेक्नीशियन वाले ज्यादा काम करते हैं। When I saw you, I would lose control. Made me feel like there was no tomorrow. Should have told you that you're beautiful. Blanch kiya hua palak. हाँ, बाकी सेम प्रोसीजर है। अगर कोई बच्चे अगर कोई पालक के नाम से अगर भाग जाता है तो फिर ये बना के खिलाओ, एकदम चाट चाट के खाएंगे। ब्लेंच किया हुआ टोमेटो का प्यूरी, गर्म पानी में डुबाया हुआ टमाटर का छिलका निकाल के प्यूरी। टमाटर का छिलका निकाला हुआ है, नहीं तो मुंह में लगता है। और अभी सॉल्ट अंदाजा से, अभी डालो स्वीट बेसिल, कच्चा है तो जरूर डालना, और पार्सले, और थोड़ा सा पानी पानी जैसा रहे, या अगर लगे तो आपको पानी जरूर डालना। और मशरूम को भी फ्राई करके रखा था वो डालोगे। बैलेंस करने के लिए थोड़ा सा शुगर तो देना ही पड़ेगा। और अभी बॉयल किया हुआ स्पेगेटी, मैंने दो टाइप का लिया है, एक होल व्हीट वाला और एक नॉर्मल व्हीट वाला। टॉस करने के बाद फाइनली ये केक आज की सेलिब्रेशन के लिए हकदार आप सब है, मैं तो सिर्फ एक माध्यम हूँ। थैंक यू सो मच मेरी ये पूरी जर्नी में Day 1 से मुझे इतना सपोर्ट देने के लिए। मेरा खुद का फ्रेंड, मेरे यूट्यूब के थ्रू इतने सारे फ्रेंड्स बने हैं, सबसे मिलने का एक ख्वाहिश तो है, जरूर मिलेंगे कभी ना कभी। मुझे इतना प्यार देने के लिए शायद ही बहुत ही कम यूट्यूबर को इतना प्यार मिलता है। थैंक यू सो मच, क्योंकि आप सब दिल के बहुत अच्छे हो इसीलिए इतने सारे प्यार दे पाते हो। क्योंकि आज का जो वीडियो है, आज तो मैंने कुछ भी मेंशन भी नहीं किया था, सब फ्रेंड्स ने 300 के लिए इतना, मतलब पहले से भी वेट कर रहे थे, आज इतना सब कमेंट्स आ रहे हैं। और कुछ फ्रेंड्स तो हाँ जानती हूँ कमेंट्स नहीं करते, फिर भी मैं उनके घर पर जाती हूँ, वो मुझे प्यार करते हैं, मुझे भी पता है। जब भी कहीं पर भी मिलती हूँ बहुत एक अलग सा फीलिंग्स है, पता नहीं आप लोग समझ पाओगे, मेरे आंखों पे देख के आई होप आप लोग समझ पाओगे। क्योंकि देखो दुनिया में अभी प्यार बहुत कम होने लगा है, आई होप मेरे सारे फ्रेंड्स के थ्रू या मुझसे जितना हो सके प्यार को बढ़ाने की कोशिश करना, आप सब भी जरूर कोशिश करना। प्यार से बिलीव बहुत हट रहा है अभी का जो लाइफस्टाइल या हमारे जो आसपास की जिंदगी है, प्यार बहुत जरूरी एक चीज है। प्यार के बिना दुनिया बहुत मेटेरियलिस्टिक दुनिया है, सिर्फ हमारे लाइफ जी रही हूँ इस हिसाब से। मुझे बहुत प्यार मिला है उसके लिए, थैंक यू सो मच। आज जो सेलिब्रेट कर रही हूँ सिर्फ आप सब की वजह। ये तो जलेगा, मैं इतनी स्पेशल है। बाय दिया स्वीटी, थैंक यू सो मच, ये आप सब के लिए। और वेज है लेकिन ना? हाँ वेज है, हमने इसीलिए वेज, इसलिए सभी को खा सकते हैं। हाँ मैं इसीलिए मेरा बर्थडे पे भी जब भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ मैं डेफिनेटली वेज करती हूँ, बिकॉज सब वेज फ्रेंड्स भी हैं। हाँ, क्योंकि मैं सबका रेस्पेक्ट करती हूँ डेफिनेटली। आप सब बताना कैसा टेस्ट रहा, इमेजिन करके क्या हमारे जो रिलेशन है ना वो भी एक। अभी तुम्हारे ये साइड वाला फ्रेंड को खिला दो, तब से वेट कर रही है। बाबारी
कमन और अभी नहीं, आप लोगों के तरफ से मैं टेस्ट करके बोलता हूँ क्योंकि मैं तो एक्सपर्ट हूँ ना। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। घर पे जरूर ट्राई करना। मैं मुझे सिर्फ चाखने मिला है। मुंबई वाले जरूर ट्राई करना। थियोब्रोमा का ये वाला केक है। किन नाम से है? चॉकोहोली। चॉकोहोली अच्छा है। ये भी खा लो आप सब। हाँ, चॉकलेट चॉकलेट। और आप सबका थोड़ा सा प्यार मैं खा लेती हूँ। थैंक यू सो मच। मुझे ये केक आज सिर्फ आप सबके वजह से। थैंक यू। मैं जब तक मेरे चैनल रहेगा, मैं जब तक रहूंगी तब तक पता नहीं शुक्रिया करते करते बहुत ही कम पड़ेगा शुक्रिया। नहीं, थैंक यू बोलना नहीं चाहिए फ्रेंड्स में। थैंक यू। लेकिन फिर भी पता नहीं, मुझे बहुत कुछ बोलना था लेकिन मेरा गले की वजह से मैं ज्यादा कुछ नहीं बोल पा रही हूँ। अभी पहला रिव्यू तो मैं देने वाले हूँ। मैं पहले रख के था फ्रिज में। पहला रिव्यू मैं देती हूँ सांतो आने से पहले। नहीं, ऑनेस्ट रिव्यू देना है। घर पे जरूर ट्राई करना। कम नहीं चाहिए। घर पे जरूर ट्राई करना। सच बोल, बहुत अच्छा बना। सांतो ने तो नून लग गया। हमारे दौर का। क्या होना चाहिए? नून 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 है ना नून है। नून लग गए? तो लग गए ना देखें मैंने। नहीं नून लग गया। रियली ऑसम बना है। मुझे पता था क्योंकि सांतोनो का जो भी रेसिपी होता है ना वो पहले सोच के बता देता है ये रेसिपी खराब है। इमेजिनेशन। हाँ, देखते हैं अभी। कोई बच्चा अगर पालक नहीं खाते ये बना तो खाएगा डेफिनेट। बहुत अच्छा बना, जरूर ट्राई करना। हाँ, क्योंकि ये मस्ट ट्राई। और ये व्हाइट पास्ता का रिव्यू तो देने की जरूरत नहीं है, ये तो आंख बंद करके मैं बोल सकती हूँ हाँ अच्छा बना है क्योंकि ये मेरा बहुत फेवरेट है। अभी खाना खाना हो गया ना, थोड़ा सा बोलते हैं ना खाना खाने के बाद थोड़ा सा सोना चाहिए, उसके बाद मतलब अरे नहीं सॉरी क्या बोल रही हूँ मेरा ना जागना चाहिए। हाँ, थोड़ा सा जागना चाहिए उसके बाद सोना चाहिए। और कल का स्वीटी का टिफिन भी मैंने सोच के रख दिया क्योंकि सोचने की जरूरत ही नहीं है। कल भी पास्ता मैंने थोड़ा सा बॉयल करके रख दिया। और हाँ, वीडियो अगर अच्छा लग रहा है लाइक जरूर करना। मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना। नीचे रेड कलर के बटन रहता है, अपनी फैमिली फ्रेंड्स में शेयर जरूर करना क्योंकि ये छोटा सा बेबी को अभी भी बेबी है, 300 के फिर भी बेबी है। ये बेबी को बड़ा करने का जिम्मेदारी आप सबके ऊपर। मैं तो सिर्फ उसको पाल पोस रही हूँ, बड़ा आपको करना है तो वो आपके ऊपर। मुझे पता है आप सब फ्रेंड्स जरूर मेरे जैसे सपोर्ट करोगे और सबको शेयर करना अगर अच्छा लगता है। और ये देखो दोनों खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। मैं नहीं खा पा रही हूँ क्योंकि वो कोल्ड पे नहीं खाऊंगी। और थोड़ा सा मैंने जब सांतरों से टेस्ट किया। चलो अभी मिलते हैं कल के और एक इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। जल्दी जल्दी एक और केक इंतजाम करवा दो आप लोग। माने और एक सोच लो, जो लोग चालू है अभी समझदारों का इशारा ही काफी है। समझदार के लिए अभी सोचो थिंक नहीं, ज्यादा नहीं बोलूंगी अभी। थिंक मेरा ऊपर भारी पड़ जाता है। प्रेशर पड़ता है। हाँ, क्योंकि मैंने भी देखा आप लोग जब भी क्वेश्चन कर देते हो ना, मैं भी ऐसा ऐसा करके। जो भी हूँ, छोटा सा जो भी हूँ, आप सबकी बदौलत हूँ तो इसीलिए थैंक यू सो मच ईच एंड एवरी फ्रेंड। गेंदू से मैत्री। एक गेंदू से 5'4" गेंदू है। नहीं नहीं, थोड़ा सा लंबा हो। अभी मिलेंगे कल का और एक इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल। थैंक यू फॉर द केक। थैंक यू सो मच।